सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराए की पहचान करा ही जाता है। मेरी कमियों को, मेरी खामियों को मुझसे कहें, किसी और से नहीं, क्योंकि अगर कमी मेरे अंदर है तो बदलना मुझे है ना कि उन्हें। मन पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच का कांटा है। आज का पंचांग 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 3:52 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 1:32 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:40 से 5:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। धनुराशि 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार, आज आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों में ही बहुत अच्छा काम करेंगी। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव से लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बधाई परेशान नहीं करेगी। आपसे सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगी। वैवाहिक जीवन आनंददायक रह सकती है। कहीं बाहर जाने की योजना बनाए माता पिता की सलाह और आशीर्वाद आपके लिए कई क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों के साथ रहने से जरूरी जानकारी मिलेगी जिससे फायदा हो सकता है। संध्या काल के समय वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतें। किसी बड़े प्लानिंग में दोस्त की मदद मिलेगी तथा आप पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ होंगे। सिर्फ भावुकता के बजाय प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने की जरूरत है। किसी समारोह में भी जाने का प्रोग्राम बनेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी मुखर और प्रेरक रहेंगे। आपको ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य करने के अवसर मिलेंगे जहां साझेदारी से कारोबार होता हो और एक दूसरे की सहायता करना प्रमुखता हो। आप प्रमुख परियोजना को पूरा करने के लिए दूसरों को संगठित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि आपकी भूमिका के लिए प्रशंसा और सम्मान आपको मिलने की संभावना है और आपके धन का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहने की संभावना है। सावधानियां। वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का ही चयन करें तथा विवादित मामलों से खुद को दूर ही रखें। संतान से संबंधित परेशानी में उसका सहयोग करना तथा मनोबल बढ़ा कर रखना आपका दायित्व है। किसी मित्र की बातों में आकर अपना आर्थिक नुकसान कर सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता भी आ सकता है। कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है। आपके दिल दिमाग में एक साथ बहुत से विपरीत भावनाएं चल रही है। वास्तव में आपके लिए एक से अधिक रोमांटिक पार्टनरों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट ही है, फिर भी आपको कई बार अलग अलग भावनाएं अपनी तरफ खींचेगी, इसलिए इस समय अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। बात करते हैं करियर की। नौकरी पेशा कारोबारी और व्यापारियों के लिए आज कई सोच समझ कर फैसले करने पड़ सकते हैं। डील में कोई व्यापारिक हानि हो सकती है, इसीलिए सतर्क बरतें। ना बिकने वाले उत्पाद को लागत से भी कम मूल्य पर कुछ ऑफर्स के साथ बेचा जा सकता है, जिसके अंतर्गत कुछ मामूली आर्थिक हानि भी हो सकती है, लेकिन माल पूरा बिक जाएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज ऑफिस के किसी काम से ऑफिशियल टूर रख सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं, इसीलिए दिक्कत कोई बड़ी नहीं है। आज पानी और ऐसी ठंडे पे पीते हुए सावधान रहें, क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाला संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आ सकती हैं। आज का उपाय।
गरीबों को आज दान पुण्य करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।